धान खरीदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 15 नवंबर को प्रदेश के सभी मंडलों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल पर कांग्रेस सरकार ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि जब उनकी सरकार 2500 रुपये में धान खरीदी कर रही है तो भाजपा अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में अपना ध्यान लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र की माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल सरकार किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रही है तो केंद्रीय पूल का चावल खरीदे, ऐसा केंद्र से मोदी जी से निवेदन करना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र छत्तीसगढ़ के किसान समझ चुके हैं। तो जा चुके हैं दिल्ली और अभी खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे वो, और उसके बाद हमको उम्मीद है कि कुछ हल निकलना चाहिए, और नहीं निकलेगा तो आगे जो पार्टी की हमारी सबकी जो वरिष्ठ नेताओं की रणनीति होगी उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे।